नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी की आरओ 2023 की वैकेंसी की नोटिफिकेशन की ऑफिशियल डेट आयोग ने डिक्लेयर कर दी है, वो है अक्टूबर का पहला वीक। और अगर आप यूपीपीएससी का 2023 का कैलेंडर उठा के देखेंगे तो इसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त निकल रहा है आरओ 2023 का, वो है 19 दिसंबर 2023 की डेट। आप देखिए 2023 का कैलेंडर, उसमें साफ साफ जो है लिखा हुआ है आरक्षित। 19 दिसंबर से पहले डेट है 19 नवंबर की, उसमें हो नहीं पाएगा। और 5 नवंबर की भी में भी नहीं हो पाएगा, 27 अक्टूबर में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई अक्टूबर ही नोटिफिकेशन है। आपको ये पता होगा यूपीपीएससी आयोग का एक सिस्टम है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके करीबन 2 महीने के बाद की डेट देते हैं। ये 2023 के कैलेंडर में इन लोगों ने पहले ही डेट आरक्षित कर रखी है, आप समझ रहे हैं ना। तो आरओ 2023 का मेरे हिसाब से एग्जाम की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो है 19 दिसंबर 2023। और आज से अगर आप अपडेट करो तो करीबन 130 के आसपास दिन निकल रहे हैं, 130-132। इतना मेरे हिसाब से सफिशियंट टाइम है। बिल्कुल अभी भी अगर आप बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहें, बिल्कुल बेसिक से भी करना चाहें, तो आराम से तैयारी की जा सकती है। इस तरह से की जा सकती है कि आराम से जितने दिन बचे हुए हैं उसमें सही चीजें पढ़ के, क्या पढ़ना है ज्यादा क्या नहीं पढ़ना जरूरी है, जितना पढ़ना है रिक्वायर्ड उतना पढ़ के, प्रैक्टिस करके, टेस्ट सीरीज लगा के, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे रिसोर्स फॉलो अगर करते हैं आप। देखिए यूपीपीएससी के एग्जाम्स हो गए, आरओ पीसीएस बीओ, इनका सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, फ्री भी चल रहा है, पेड भी चल रहा है, उसको फॉलो करके अभी भी आप आराम से, मेहनत करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन टफ होगा। अब आप देखिए इसमें पोस्ट निकल रही है करीबन 180 के 80, ठीक है। फॉर्म कितने डाले जाएंगे आरओ 2023 में, मेरे हिसाब से कम 6-7 लाख फॉर्म तो जाएंगे ही जाएंगे। और 15 गुना लोग होते हैं सिलेक्ट प्री में, सिर्फ 181 के हिसाब से भाई 15 गुना इनका ले लो, जोड़ लो भाई, करीबन 2715 लोग जो है मेंस के लिए जा सकते हैं। तो ये है कैलकुलेशन पूरा, जुट जाइए अभी। देखिए एक चीज ये समझ लीजिए, अगर कोई शॉर्टकट में पढ़ रहा है कि हमको छल बीट पढ़ने थे, नोट दे दो मुझे, आलो यालो दो, जल चेट में छल निकालना ही निकालना है, मेरे ऊपर बहुत छाली पले छानियां है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं पल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे एग्जाम निकालना ही निकालना है, तो सर जी और मैडम जी ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट नहीं है इस एग्जाम का कोई भी। 2021 का पेपर उठा के देख लीजिए, जिसको जरा सी भी गलत फहमी हो अपने ऊपर। एक और चीज, कई सारे यूपीएससी के भी पुराने चावल इसमें भरे बैठे हैं, ध्यान रखिएगा, जिनकी यूपीएससी की एज निकली है, पीसीएस वाले जो एग्जाम वाले लोग हैं वो भी इसमें ट्राई करते हैं। तो अगर आरओ 2023 के लिए सीरियसली सिलेक्शन भी लेना है, यकीन मानिए आपको तैयारी जोरदार करनी पड़ेगी अभी से, अगर आप जुटना चाहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप के सारे इनिशिएटिव को फॉलो करके, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, प्लस जितना भी हम मटेरियल दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, सारी चीज फॉलो करके, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एंडल, कॉन्सेप्चुअल, कट ऑफ भर से ज्यादा का आप आराम से हर हालत में ला सकते हैं अभी भी। लेकिन बात यही है कि ग्रुप ज्वाइन करने से नहीं होगा, फॉलो करना पड़ेगा, डेली कम से कम 6-7 घंटे मिनिमम देने ही पड़ेंगे ऑन एन एवरेज। जिसको ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं हो रही भाई, वो अपने अपने तरीके आजमा के देख ले, 2-4 साल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सिंपल बात है, शॉर्टकट नहीं होता है इन सब एग्जाम का। भाई देखिए, नोट्स हम देंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा, टेस्ट सीरीज हम देंगे, लगानी आपको पड़ेगी, पेड क्विज हम देंगे, आपको डेली अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जितना भी मटेरियल अपडेट देते जाएंगे पढ़ना पड़ेगा, फ्री भी इनिशिएटिव हमारे लगातार चल रहे हैं आप देख रहे होंगे, और जो है पेड भी चल रहे हैं, पेड में सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, क्योंकि पीडीएफ पेड ही रहेगी, पर्सनल गाइडेंस पेड रहेगा, क्विज को अटेम्प्ट करना पेड रहेगा। हाँ, उसके वीडियो मैं लगातार बनवा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो बनेंगे बिल्कुल फ्री, स्टडी मटेरियल के ऑलरेडी मैं बनवा दे रहा हूँ, क्लास वाइज आप देख रहे होंगे आ रही लगातार, ठीक है। 2 हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करके रखिएगा, जो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, इनको फॉलो करके रखिएगा, इसमें सारे फ्री इनिशिएटिव मैं बार बार जो शेयर करता जाऊंगा, प्लेलिस्ट बना के भी शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप, जो भी आपकी समस्याएं बताइए तुरंत, पूरी तरह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सपोर्ट आपको अभी तक था और आगे भी रहेगा। हाँ, वैकेंसी कम वाले का रोना धोना जो है वो जरूर आप मचा सकते हैं, और इसके लिए देखिए इंटेलिजेंट वही होगा, बुद्धिमान इस समय वही होगा जो चुपचाप पढ़ने पे लगे। कुछ लोग सोशल मीडिया में जो है ये सब उपद्रवबाजी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका यही कि अगर आपको ये सब कुछ करना है आप सीधे आयोग को मेल लिख सकते हैं, ट्विटर पे कोई अभियान चलाइए, कहीं जो है फिजिकली मत जाइएगा, पढ़ाई बहुत करना बहुत जरूरी है इस समय यार, ठीक है। पोस्ट नंबर ऑफ वैसे ही कम है, कॉम्पिटिशन तगड़ा है,
आपका कोई बहाना, जॉब करते हैं, वाइफ है, हाउसवाइफ है, देखिए कोई भी कंडीशन आपके साथ हो, ये आयोग नहीं समझता है और ना ही कोई कंपटीशन समझता है। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, आरओ यारों के लिए बहुत टफ है, आप यकीन मानिए। और जो लोग भी इसको हलवा समझ रहे हैं कि अले छल मैं बीट पन्ने ते नोट पलटे आया हूँ, मैं उनकी लाइव क्लास देखते आया हूँ, कुछ नहीं होगा, तो 3 साल में सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। भाई देखो सिंपल, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो, पढ़ना है चीज़ें, पढ़ना खुद है, पढ़ना आपको खुद है। लाइव क्लास में वीडियो देख के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, वीडियो देख के क्या करोगे भाई, पेड क्विज आपको लगानी पड़ेगी खुद, ठीक है। हाँ उसके वीडियो देख के पॉज कर करके फ्री वाले इनिशिएटिव लोग उनको लगा सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, डाउट क्लियरेंस जो है पूछने पड़ेंगे, इस तरह से है। फ्री इनिशिएटिव भी आप हमारे फॉलो कर रहे हैं तो लगातार सारे वीडियो देखिएगा टेस्ट सीरीज के भी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, जितने भी हम फ्री क्लासेस चला रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट बना के देंगे, वो देखिए। पेड क्विज के सारे वीडियो देंगे, फिर मैं मेहनत करिए, मतलब अगर फ्री में कर रहे हैं तो। टाइम नहीं है, पैटर्न समझिए क्या है भाई, आरओ आरओ का पैटर्न समझिए। 2 स्टेज की प्रोसेस है सिर्फ, ठीक है। पहला है प्रीलिम्स, जिसमें कि जितनी वैकेंसी है 181 वैकेंसी है, प्रीलिम्स में सिलेक्शन कितना होगा, 15 गुना होगा सिर्फ, 2715 लोग सिलेक्ट होंगे, वो बताओ। मेल देने जाएंगे सिर्फ 2700-3000 के आसपास लोग जाएंगे बस। हाँ ये भी रूल होता है लेकिन कि भाई अगर आरओ आरओ के रिजल्ट से पहले, प्री के रिजल्ट से पहले अगर और वैकेंसी आ गई तो अध्याचन में जोड़ दी जाएंगी, तो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ सकती हैं ये, और जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा रहेगा। पैटर्न क्या है वो समझिए, प्री है, मेंस है। प्री में 200 नंबर का है, इलिमिनेशन राउंड है, इसका फाइनल सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का 140 का, 140 नंबर 140 क्वेश्चन, और 60 नंबर का हिंदी होता है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर, 200 नंबर का पेपर, 200 जो है क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इसी पे कट ऑफ बनता है। करीबन 2016 का करीबन 129 गया था, 2017-21 का अभी तक शायद बताया नहीं गया है, मतलब वही मान के चलिए 65% नंबर आपको लाने पड़ेंगे नेट में, इतना कट ऑफ है। बाकी कट ऑफ भाई ये प्री वाला बताया हो तो पता चले आगे की कहानी। उसके बाद है मेंस, मेन गेम है मेंस का, यहां से ही फाइनल सिलेक्शन होगा। 400 नंबर का आता है मेंस, और ये समझिए 400 नंबर में क्या क्या आएगा मेंस में भाई, मेंस में 120 का आएगा जीएस, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर ऑब्जेक्टिव पेपर। फिर दूसरा मेंस में 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव हिंदी, ऑब्जेक्टिव हिंदी जो प्री में सिलेबस है वही सिलेबस मेंस का है, बस एक शब्द कम है। वहां प्री में 60 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव हिंदी में, यहां 30 क्वेश्चन आएंगे। जो जीएस का प्री का सिलेबस है आरओ आरओ का 140 क्वेश्चन वाला, वही यहाँ पे मेंस का सिलेबस है 120 क्वेश्चन में। ये है मेंस में 120 का और जीएस सेम है, चलो 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव सेम है, एक शब्द कम है, तो 180 नंबर की तैयारी प्री के साथ ही हो जाती है मेंस की। आपकी बचा जो खेल है 220 नंबर का है, एक पेपर आता है 100 नंबर का कन्वेंशनल हिंदी, 100 नंबर का है पेपर, उसमें गद्यांश आएंगे, पत्र लेखन आएंगे, प्लस और भी छोटे छोटे कुछ पैराग्राफ होते हैं, संक्षेपण आएगा, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद मेन खेला है निबंध का, 120 नंबर का आता है, वो भी हिंदी में ही लिखना होता है, ध्यान से कान खोल के सुनिए, आरओ आरओ का निबंध हिंदी में ही लिखना होता है, समझ में आ गई बात, इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। तो आरओ आरओ का मेंस निकालना है तो हिंदी में वर्चस्व चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लिखाई करनी पड़ेगी। तो ये पूरा पैटर्न हो गया 400 नंबर का, इसी के बेसिस पे आरओ प्लस एआरओ की फाइनल जो है सिलेक्शन होता है। एआरओ में बाद में टाइपिंग वाइपिंग भी हो जाती है, और एआरओ हिंदी में और एआरओ जो है, आरओ हिंदी और आरओ उर्दू में जो है उसमें एक्स्ट्रा पेपर भी होता है, हालांकि उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं सिर्फ 33% के आसपास। ये है पैटर्न, ठीक है। एक और चीज कि नॉर्मल जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं वो भर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आरओ वाली पोस्ट, ठीक है। एआरओ की डिमांड कहाँ होती है, ओ लेवल की डिमांड कहाँ होती है, एआरओ में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। सारी चीज़ समझ में आ गई, कोई भी डाउट हो तुरंत आप यहाँ पे मैसेज करके पूछिए मुझसे किसी भी चीज़ों का। बाकी आप देखिए आरओ आरओ 2023 में सिलेक्शन लेना है, सिर्फ सिलेक्शन वाली सिर्फ तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही फॉलो करिएगा, चाहे हमारे फ्री इनिशिएटिव फॉलो कर लें चाहे पेड। आरओ एआरओ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बढ़िया मटेरियल कंटेंट, बिल्कुल टू द पॉइंट, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम टेस्ट सीरीज बना के नहीं देते हैं जैसे बाकी जगह आपको मिलेगा, हमारे क्वेश्चन बहुत फ्रेश होते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से होते हैं। जैसे यूपीपीएससी आयोग अपना पैटर्न बदलता है उसी तरह से हम अपने मटेरियल को इसीलिए अपडेट रखते हैं लगातार, ठीक है। तो तैयारी सिलेक्शन वाली करनी है तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ रहें, बाकी अगर सिर्फ जो है अपोलिजिबल चल हम अपोलिजिबल तैयारी चलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमें करानी है सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी, और आरओ आरओ की बिल्कुल फ्री तैयारी भी करी जा सकती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। सारी चीज़ें सुन ली, समझ में आ गया, चलो जाओ खेलो।